मैं हूं सैयद जीशान, आप देख रहे हैं सत्य। आज तक नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। शांतिनगर पुलिस सेल के रिकॉर्ड पर एक सराइड गुनहगार है मोहम्मद अली। वो स्टडी पार भी है। वो स्टडी पार होने के बावजूद भी पुलिस स्टेशन एरिया में आके ड्रग बिक्री करता है, ऐसी बहुत कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही थी। और उस मुताबिक हमने हमारी डीबी टीम को उसको ढूंढने के लिए और उसका सर्च लेने के लिए आदेशित किया था। फ्राइडे के दिन जब बंदोबस्त पे पेट्रोलिंग पे हमारी टीम थी, तो वो गैबी नगर और शांति नगर चौकी के एरिया में आया है ऐसा माहिती मिलने के बाद वहाँ टीम गई, तो पुलिस को देख के वो भागने लगा। सब पटलाक करके पीछा करके उसको पकड़ने के बाद उसके पास से 56 ग्राम MD ड्रग जब्त हुआ है। उसके तपास में हमको और थोड़ी सी माहिती मिली थी। वो माहिती के मुताबिक हमारी टीम ने दूसरे दिन पुलिस स्टेशन के एरिया में पेट्रोलिंग के टाइम में जैसे इंफॉर्मेशन थी उस मुताबिक एक कार को चेक किया। वो कार में नासिक के दो जन कार में बैठे हुए थे और वो संदिग्ध थे। उनको पंचों के सामने उनकी तलाशी लेने के बाद उनके पास से भी 50 ग्राम MD जब्त किया। दोनों केस में दो अलग अलग गुने दाखिल किए हैं। और उसके तपास में जब हमको वो नासिक के जो आरोपी है उनके बारे में पूछताछ करने के बाद उनके पास बेकायदी सिर पिस्टल भी है नासिक में, ऐसी माहिती मिली। तो हमारी टीम तुरंत नासिक गई और उसके घर से हमको एक पिस्टल बेकायदी सिर है वो बरामद हुआ है। कुल मिला के दोनों केस में हमने 106 ग्राम MD करीब 24-25 लाख की बरामद की है और आगे तपास चालू है। सर, पिछले दो महीने से लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ड्रग्स मामले में ड्रग्स लोगों को पकड़ रही है, तो ये पेडलर जो है दिल्ली की जो पेडलर है या मुंबई की पेडलर है, ये बहुत बड़ा एक ट्रैफिक सा है कि आप कुछ है। हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने हमको आदेशित किया है कि ये ड्रग्स के बारे में आप लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो और इसका इंफॉर्मेशन निकाल के ड्रग कहीं पे भी नहीं मिलना चाहिए। इसके बारे में हमको बहुत सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उस मुताबिक हम भिवंडी में खास करके हमारे DP के दो स्क्वाड बनाए हैं और उनको ये सब इंफॉर्मेशन निकाल के कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। और हमारे जो भी गोपनीय बातचीतदार हैं उनके कॉन्टैक्ट में रह के हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट किए हैं, तो उस मुताबिक ये सब कार्रवाई हो रही है। और हम चाहते हैं कि पूरा भिवंडी शहर ड्रग मुक्त हो, उसके लिए हम शांतिनगर पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमको उसमें कामयाबी मिल रही है। ऐसे ही 21 तारीख को हमारी टीम पेट्रोलिंग कर रही थी, उस टाइम में एक टैंकर साई बाबा मंदिर के पास रोड के बाजू में खड़ा था और उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली कि वो टैंकर में डीजल जैसा कुछ केमिकल है और वो बिक्री के लिए इधर आए हैं। तो उनसे हमारी टीम ने पूछताछ करने के बाद टैंकर में दो जन मौजूद थे, एक ड्राइवर था, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो हमको डाउट आने के बाद उसको पंचों के सामने पूछताछ किया तो मालूम चला कि उसमें केमिकल जो बायोडीजल बोलते उस तरह का केमिकल है उसके बारे में कोई उनके पास कागजात नहीं है। तो हमने वो इसी एक्ट के मुताबिक गुनाह दाखिल किया है। उसमें अब तक दो जन को अरेस्ट किया है और उसका भी तपास आगे चालू है।